हमारी पृथ्वी पर करीब 4 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पृथ्वी पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहा करते थे, यानी ऐसे जीव जिनके पास मात्र एक कोशिका होती थी। धीरे धीरे यह क्रिएचर विकसित होते गए और कॉम्प्लेक्स बनते गए। इन एक कोशिका वाले जीव जंतुओं को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और इनके बाद जो कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स की फॉर्मेशन हुई उन्हें यूकेरियोट्स कहा जाता है। इन पुराने जीवों की वजह से ही आज हमारी पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन पाया है जिसमें हम इंसान आराम से रह पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारी पृथ्वी की 80% ऑक्सीजन कहीं और से नहीं बल्कि समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंकटन्स नाम के लिविंग बीइंग से आती है। पृथ्वी के शुरुआती समय में इसके वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, लेकिन साइनोबैक्टीरिया नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से न सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी बल्कि ओजोन लेयर की भी फॉर्मेशन हुई। यह बैक्टीरिया सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे। आज इनके द्वारा बनाई गई ओजोन लेयर की वजह से ही हम इंसान सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से अपने आप को बचा पाते हैं। अगर ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को ना ढके होती तो इंसानों को कैंसर होने के चांस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन दुख की बात ये है कि शुरुआती समय में पैदा हुए साइनोबैक्टीरिया अब विलुप्त हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन हमारी तरह जरूरी नहीं बल्कि एक टॉक्सिक गैस हुआ करती थी। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे इन बैक्टीरिया का भी खात्मा होता गया। आज भी हमें इनके जैसे काफी सारे जीव पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, लेकिन वह शुरुआती जीव जिन्होंने पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई वो अब नहीं रहे। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पृथ्वी पर आज तक जितनी भी स्पीशीज मौजूद रही हैं उनमें से 99.9% स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं। कई सारे जीव जंतु मास एक्सटिंक्शन में मारे गए थे तो कुछ आज हम इंसानों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। आज हमारी पृथ्वी पर मात्र 5 मिलियन से 10 मिलियन जीव जंतुओं की स्पीशीज बची हुई है जिनमें से मात्र 20% स्पीशीज को इंसानों ने खोजा है। रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को रोज ही कोई ना कोई नई तरह के जीव जंतु घने जंगलों और समुद्र में मिलते रहते हैं। अभी तक इंसानों ने समुद्र का मात्र 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है जिसकी वजह से हमें 95% हिस्से में मौजूद जीव जंतुओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जो जानवर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। जब भी विलुप्त हुए जानवरों की बात आती है तो कुछ बहुत ही फेमस जानवरों के नाम दिमाग में आते हैं, जैसे डायनासोर, द डोडो बर्ड और वूली मैमथ। जानवरों का खात्मा एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था जो हमारी पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी के तापमान को कई डिग्री तक बढ़ा दिया। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर 6.6 करोड़ साल पहले गिरा था और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इसकी वजह से उस समय पर मौजूद 70% जीव जंतुओं का खात्मा हो गया था जिनमें से एक डायनासोर भी थे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अब हम साइंस में इतना आगे आ चुके हैं कि हम इन विलुप्त हुए जानवरों को भी पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे वैज्ञानिक अब विलुप्त हो गए जानवरों को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डोडो बर्ड एक बहुत ही विशाल चिड़िया हुआ करती थी जो सिर्फ मॉरिशस आइलैंड में ही पाई जाती थी। आज भी यह चिड़िया उस देश के झंडे में देखी जा सकती है। जब 1598 में पहली बार डच एक्सप्लोरर मॉरिशस देश में आए थे तब यह चिड़िया वहां पर मौजूद रहा करती थी। इस बात को वैज्ञानिक निश्चिंत होकर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पास उस समय के काफी सारे हिस्टोरिकल अकाउंट और पेंटिंग्स मौजूद हैं जिसमें इस चिड़िया को शो किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इससे जुड़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। डोडो एक बहुत ही बड़ी चिड़िया होती थी जिसकी हाइट करीब 3 फीट हुआ करती थी। इसकी बड़ी सी रंग बिरंगी चोंच हुआ करती थी और इसके पंखों का रंग हल्का सा भूरे रंग का होता था। जब डच लोगों ने इस देश में एंटर किया उसके बाद से ही इस चिड़िया की पॉपुलेशन में गिरावट होने लगी। उन एक्सप्लोरर के मॉरिशस में आने के मात्र 100 साल बाद ही डोडो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई और इसे लास्ट बार 1688 में देखा गया था। यह चिड़िया इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हम इंसान बाकी जीव जंतुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस चिड़िया के विलुप्त होने से मॉरिशस की इकोसिस्टम में भी
काफी ज्यादा बदलाव आए थे। अगर नेचर में मौजूद कोई भी जानवर विलुप्त होता है तो उसकी वजह से इकोसिस्टम में काफी ज्यादा बदलाव आते हैं, जो कई बार इतना ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि इससे हम इंसानों तक का खात्मा हो सकता है। डच लोग इस चिड़िया का बहुत बड़े पैमाने पर शिकार करते थे, इसकी वजह से इन स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं मिल पाया और यह विलुप्त हो गई। लेकिन फरवरी 2023 में कलोसल लैब्स नाम की एक कंपनी ने यह अनाउंस किया कि वह इस चिड़िया को अपने आधुनिक तकनीकों के जरिए वापस लाने वाले हैं। यह कंपनी सिर्फ डी एक्सटिंक्शन एंड रेजरेक्शन बायोलॉजी परफॉर्म करते हैं, जिसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि यह विलुप्त हुई चीजों को वापस लाने का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे कोई गायब हो चुके जानवर को वापस से जिंदा कर सकता है। असल में यह कंपनी जानवरों को वापस नहीं लाती है, बल्कि उनके जैसे एक नई वर्जन को क्रिएट करती है, जो बिल्कुल पुराने वाले जानवर जैसा ही होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके एक प्रोजेक्ट खराब होने के बाद आप बिल्कुल उसी के जैसे नई प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। इसमें आपका समय भी बच जाता है और आपका प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो जाता है। कुछ ऐसा ही ये कंपनी भी कर रही है। इस कंपनी के पास 3 ऐसे तरीके हैं जिससे यह विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस ला सकते हैं। पहला है बैक ब्रीडिंग, दूसरा क्लोनिंग और तीसरा जीनोम एडिटिंग। इन प्रोसेस में क्लोनिंग का इस्तेमाल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जानवरों को बचाने के लिए किया जा सकता है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वैज्ञानिकों के पास ऐसे काफी सारे तरीके हैं, जिसकी वजह से वह फॉसिल्स को डीपली समझ सकते हैं और उनकी एक कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस विशाल बर्ड को वापस लाने में जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डोडो बर्ड को वापस लाने में किया जाएगा। दुनिया भर में वैज्ञानिकों की काफी सारी टीम लगी हुई है जो डोडो के डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इनमें से काफी सारी टीम तो सक्सेसफुल भी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब डोडो को वापस से पैदा करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक सिर्फ इस चिड़िया के फॉसिल्स को ही नहीं बल्कि इसके क्लोज रिलेटिव के भी डीएनए को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कई बार एक पर्टिकुलर जानवर के क्लोज रिलेटिव में काफी सिमिलियर डीएनए मिल जाता है, जिसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से एडिट करके बिल्कुल ओरिजिनल डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि इस चिड़िया का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव निकोबार पिजन नाम की एक चिड़िया है। यह हरे और नीले रंग के शेड की एक वर्ड है जो एशिया के काफी सारे आइलैंड्स में पाया जाता है। हालांकि इसे सबसे ज्यादा इंडियन ओशन में मौजूद आइलैंड पर देखा जाता है। यही कारण है कि इस चिड़िया का नाम निकोबार पिजन है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से लिया गया है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक निकोबार पिजन और डोडो बर्ड का एक कॉमन एंसेस्टर है जो 30 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मौजूद हुआ करता था। उस एंसेस्टर की काफी सारी अलग अलग स्पीशीज समय समय पर आती रही, जिनमें से 2 स्पीशीज डोडो और निकोबार पिजन भी थे। वैज्ञानिक इन दोनों चिड़िया के डीएनए को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं, जिससे उन्हें इन दोनों के डीएनए में मौजूद समानताएं और डिफरेंस पता चलेंगे। इसकी मदद से वैज्ञानिक एग्जैक्टली ये पता लगाएंगे कि ऐसी क्या चीजें थी जो डोडो को डोडो बनाती थी। भले ही हम इस चिड़िया को वापस जिंदा करने के काफी ज्यादा क्लोज हों, लेकिन अभी भी काफी सारा काम बचा हुआ है। कलोसल लैब्स ने $200 मिलियन की फंडिंग की है और उनका कहना है कि इतने में ही डोडो बर्ड वापस से रिवाइव हो जाएगी। इन दोनों के डीएनए में सिमिलरिटी एंड डिफरेंस पाने के बाद वैज्ञानिकों का अगला स्टेप होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। इसकी मदद से वह निकोबार पिजन के डीएनए को काट कर कुछ चुनिंदा सेल्स के अंदर डाल देंगे। यह सेल्स डोडो बर्ड के सेल्स से काफी ज्यादा मेल खाते होंगे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट डोडो का ही डीएनए वैज्ञानिकों को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इस नए बने हुए मटेरियल को वैज्ञानिक किसी भी सुटेबल एग में रख देंगे, जहां पर यह डेवलप होगा और डोडो बर्ड पैदा होगी। अब इस काम में भी काफी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि निकोबार पिजन का अंडा बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से उसमें डोडो बर्ड पैदा ही नहीं हो पाएगी। अगर वैज्ञानिक इस डीएनए मटेरियल को निकोबार पिजन के अंडे में जबरदस्ती डाल देते हैं तो या तो वह चिड़िया काफी सारे डीएनए कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा होगी, या फिर वह पैदा होने से पहले ही मर जाएगी। इन दोनों ही केस में वैज्ञानिकों को काफी बड़ा नुकसान होगा। यही कारण है कि उन्हें एक ऐसे अंडे को ढूंढना होगा जो डोडो बर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वैज्ञानिक इसके लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही
जैसे अब किसी इंसानी बच्चे को पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल गर्भ की फॉर्मेशन की जाती है। वैज्ञानिकों को यह करने से काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि इससे वे अंडे के अंदर होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएंगे और साथ ही में उसे अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर वैज्ञानिक यही डीएनए किसी और चिड़िया के अंडे में डाल देते हैं तो शायद वह उसकी देखभाल ही ना करे, क्योंकि वह उसके ओरिजिनल अंडे से काफी ज्यादा अलग दिखाई देगा। अगर वह उस अंडे को सही सलामत रखकर हैच करवा भी देती है तो उसके बाद भी वैज्ञानिकों की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चिड़िया जिसके अंडे में डोडो बर्ड के डीएनए को डाला गया होगा, वह अपने बच्चों को ऑब्वियसली पहचानती होगी। जब उसे डोडो जैसे दिखने वाली कोई चिड़िया अपने अंडे से बाहर आती हुई दिखाई देगी तो या तो वह उसे पालेगी नहीं या फिर उसे मारकर अपने बाकी बचे हुए बच्चों को खिला देगी। तो ऐसा करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि डोडो बर्ड को वापस लाना एक बेवकूफी की बात है, क्योंकि पिछले 300 सालों में हमारी दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है, जिसकी वजह से इस नए वातावरण में वह चिड़िया अपने आप को नहीं ढाल पाएगी। इसकी वजह से वह दोबारा खत्म हो जाएगी और वैज्ञानिकों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दिक्कत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अगर हम विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाना शुरू कर देंगे तो लोग और भी ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे, और जो जानवर जीवित हैं लेकिन विलुप्त होने वाले हैं उनकी देखभाल करना भी बंद कर देंगे। इसकी वजह से ही जानवरों के एक्सटिंक्ट होने का रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। अब डोडो बर्ड वापस हमारी दुनिया में आ पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमें विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।